सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, बीएसएफ की मोटरसाइकिल टीम जानबाज का टीम कैप्टन हूं। और आज हमारी ये रैली अटारी से चल करके केवड़िया के लिए रवाना होने वाली है। और इस रैली का जो उद्देश्य है, जिसमें हम ये दिखाना चाहेंगे कि भारत, कहें कि इंडिया, अनेकता में एकता का देश है। और इस रैली से हम ये दिखाना चाहते हैं कि बॉर्डर्स पे कितनी शिद्दत से बीएसएफ काम करती है कि पूरा देश चैन की नींद सो सकता है। जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो हम तत्पर रहते हैं हमेशा देश सेवा के लिए। हमारे लिए देश अग्रणी है। और इस रैली से हम युवाओं में ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोर्सेस को ज्वाइन करें, खास करके अगर एडवेंचर चाहते हैं लाइफ में तो बीएसएफ ज्वाइन करें। और हम इस रैली के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, ये भी खासकर युवाओं के लिए ही है, कि हम एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और जैसा हमारे डीजी साहब श्री पंकज कुमार सिंह आईपीएस और आईजी ट्रेनिंग सोनाली मिश्रा जी आईपीएस के निर्देशन में ये हमारी मोटरसाइकिल रैली ऑर्गेनाइज की गई है, इसी तरह की कई एक रैलियां संपूर्ण भारत में अलग अलग समय पर चलाई जा रही हैं। और उन सब का यही उद्देश्य है, भारत के 75वें स्वतंत्रता के वर्षगांठ पर हमारी टीम ने संपूर्ण भारत में लगभग 26 शहरों में अलग अलग जगह जा कर के शो किया। और उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बीएसएफ की ड्यूटीज़, भारत की अखंडता और देश की एकता और युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। सर, इस टीम में कितने पार्टिसिपेट किए थे, कितने महिलाएं, कितने बंदे, और दोनों टीमों के क्या नाम है, जो तो बता दें। जी, अभी जो हमारी मोटरसाइकिल टीम्स हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें मेल टीम्स को जानबाज कहा जाता है और फीमेल टीम को सीमा भवानी। और आज की इस रैली में जानबाज के 15 राइडर और 2 एक्स्ट्रा राइडर, और महिलाओं के सीमा भवानी के 15 मेन राइडर और 2 एक्स्ट्रा राइडर यहां पर मौजूद हैं, जो यहां से चलकर केवड़िया तक जाएंगे। अटारी बॉर्डर से शुरू होकर केवड़िया गुजरात में 11 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। और इसका जो मैसेज है वो हम एकता में अखंडता का एक मैसेज है वो देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि ये मिक्सअप है, मेल और फीमेल दोनों साथ है, तो इससे एक इक्वलिटी का भी मैसेज आता है। जैसे लड़कों लड़कियों मंत्र बताया जाए तो ये क्या मैसेज है कि एक समान है सब लड़कियों, तो क्या जो लड़कियों को घर में रखते हैं उनको क्या मैसेज है? देखिए, मतलब ये नहीं बोल सकते कि जो पहले की सोच है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे अभी हर फील्ड में लड़कियां आ रही हैं। जैसे कि फोर्सेस में, बीएसएफ में लड़कियां 2010 में पहली बार आई थी, जो कि 2008 में पहली बार आई थी, जो कि बहुत कम थी, और वो भी एक कांस्टेबल रैंक पे आई थी। उसके बाद धीरे धीरे आनी शुरू हुई और अभी ऑफिसर रैंक पे भी काफ़ी महिलाएँ हैं। तो इससे ये है कि हाँ, बदलाव एक साथ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है।